तो चलिए, कल से आपने खबर परख भी लिया होगा, जान भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सिलसिलेवार तरीके से अगर आप सभी को परखना है तो फिर आपको डिटेल विस्तार एनालिसिस करनी पड़ती है, और जिसका ब्यौरा आपके सामने मैं लेके आया हूं। और खबर किस बात की? खबर इस बात की कि चार चार बैंक्स शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और कयासें जो है दोस्तों लगाया जा रहा है कि इन चार बैंक्स में से दो बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो प्राइवेट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं, और अगर आप इसको गौर फरमाएंगे, अगर आप इस पे गौर फरमाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले साल जब 10-12 पीएसयूज मर्ज होके 5 पीएसबीज हुए थे, आपको पता है सभी लोगों को इंक्लूड किया गया था, यानी मर्ज किया गया था, लेकिन चार बैंक्स को साइड रखा गया, किनारा रखा गया। और वहीं से कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू हो चुकी थी कि इन चार में से तो किसी दोनों को करना ही है। वो चार क्या थे? एक था बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चार बैंक्स ही हैं, जब मर्जर के टाइम में इन लोगों को साइड में रखा गया था, मानो तैयारी शुरू हो चुकी थी कि अगले साल इन चार में से किन्हीं दोनों को प्राइवेटाइज करना ही है। तो वही चार बैंक्स के नाम अभी खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अपर स्टॉक की बात करूं, क्योंकि हम डिटेल विस्तार रूप में एनालिसिस करेंगे कि कौन से चार बैंक्स ऐसे होंगे, दो बैंक्स होंगे जो चार में से प्राइवेट होने वाले हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं तो ये 20% अपर स्टॉक में चल रहा है, और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करूं तो 15.5% है, बैंक ऑफ इंडिया का 11.05% है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12.5% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक इस डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कहीं ना कहीं प्राइवेट किए जाएंगे। और आपको पता है 19 रुपीज चल रहा है एक शेयर का, यानी वो 25-30 भी हो सकता है। आज की डेट की बात करें तो 25-30 तक भी जा सकता है, और जिस हिसाब से लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन्वेस्ट करने में, ठीक है इन्वेस्टर्स के लिए सही है, लेकिन साधारण जनता के लिए, एस्पायरेंट्स लोगों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बड़ा झटका है। तो आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन होना, आपको पता है 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था, और आज हम डेट में बात कर रहे हैं कि कैसे तरीके से हम प्राइवेटाइज कर दें। ये चीज़ें हैं, मैंने आप सभी के सामने पूरा ब्योरा रखा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में मेरा यूज़र आईडी है SFY_आशीष, या स्टूडेंट फरमाइश करके आप टाइप करके हमको ढूंढ सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप हम तक पहुँच सकते हो। तो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि आने वाले टाइम में अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ध्यान से चॉइस ऑफ बैंक्स जो अलॉटेड किए जाएंगे आपको नियर फ्यूचर में, उस पर गौर फरमाना है, क्योंकि उन लोगों का क्या ही गलती है जो आज बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन ले गए, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन ले गए, कितने बढ़िया तरीके से बैठे हुए थे, उनको क्या ही पता था कि अब इनमें से चार बैंक्स को प्राइवेट किया जाएगा। खैर आपको बता दिए टेलीग्राम, और हमको फॉलो करिए, पढ़ाई बढ़िया रूप से चलेगा और आप लोग की प्रिपरेशन डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खेर, लव यू, अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नमस्कार।